जावेद साहब, आज आप यहाँ काछामा डोबन में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, मैं परसों भी यहाँ पे आया था, मैंने कल भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करी थी। काछामा डोबन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक पसमंदा इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, जो कुपवाड़ा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है और त्रैगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का एक छोटा सा गाँव है, कालपुरा तहसील का एक बड़ा गाँव है, जिसमें यहाँ पर जो है एक SIR बनाया है, रिजर्वायर बनाया है पानी के लिए। आज से कबल 30 या 35 साल इसको साथ साथ में मरम्मत भी करते थे, ये इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली परसों यहाँ पे जब बारिशें ज़्यादा हुई और यहाँ पे फ्लड आ गया, जब सैलाब आया, तो उसकी जद में आने के बाद जो इसमें पानी बढ़ गया, पानी की लेवल बढ़ गई, तो यहाँ पे 11 बजे से इनका कहना है, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, यहाँ के जो बाशिंदे हैं, इनका कहना ये है कि इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉई था वो भी ऑलरेडी यहीं पर था, उनके पास JCP भी अवेलेबल थी, मशीनरी अवेलेबल थी, सारा कुछ अवेलेबल था। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसको उस टाइम जो है पानी की जो वे आउट है वो नहीं बनाई, जिसकी वजह से ये लीकेज हो गया और इसमें आगे जो सामने ये जो मोहल्ला है आप देख रहे हैं, ये जो घर हैं, इनको इसमें नुकसान पहुंचा है, जिसमें इनके किचन गार्डन्स हैं जिसमें जो है वो तबाह हो गए, मक्की इन्होंने बीजी थी यहाँ के लोगों ने, यहाँ की गरीब आवाम ने, वो उनकी वो तबाह हो गई। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे घरों में इनके पानी घुस गया, इनके गौखानों में पानी घुस गया, इनके कब्रिस्तान में पानी घुस गया और इनका बहुत हद बेहद ज़्यादा जहाँ जो है नुकसान हुआ है। जो रोड, जैसे कि आप यहाँ से खुद भी आपने देखा कि यहाँ पे जो रोड है, रोड की हालत भी ख़राब हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ लीडर्स भी आ गए, बहुत सारी पार्टीज़ के, NCPC के या DDC मेम्बर्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आ गए और DC साहिबा भी यहाँ पे आ गई। बट इनका कहना ये है कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनमें से किसी को भी कोई रिलीफ या रिहैबिलिटेशन नहीं मिला है, रोड की हालत जो है वो भी ख़राब है, ये एक ख़तरा बन गया है यहाँ के लोगों के लिए जो ये SR है। इनकी डिमांड ये है, या तो इसकी मरम्मत की जाए। आपको एक चीज़ मैं और दिखाना चाहूँगा, इसका जो ओवरफ्लो इन्होंने बनाया हुआ है उस बैक साइड में, तो वहाँ से वो हाइट में है, जो ओवर जो पानी का बाहर जाने का रास्ता है वो ऑलरेडी ब्लॉक है, तो ओवरफ्लो जो है वो बंद कर दी गई। इसमें तकरीबन जो है 10 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे खर्च किए गए हैं आज तक, जो इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो इसमें खर्च किया है, लेकिन ये नेग्लिजेंस है, चाहे वो कंट्रैक्टर की नेग्लिजेंस है, ठेकेदार की नेग्लिजेंस है या डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस है, ये डिपार्टमेंट और कंट्रैक्टर के साथ मिलके जो है इन लोगों के साथ धोखा हुआ है, काम सही से नहीं हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जो है यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे गुजारिश करूँगा कि इसकी फौरी तौर इंक्वायरी की जाए। जो भी बंदा इसमें मुलव्वस है, जो भी डिपार्टमेंट इसमें मुलव्वस है, जो भी इम्प्लॉई इसमें मुलव्वस है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज़ यहाँ पे मौके पे उस टाइम मौजूद थे, जो एम्प्लॉइज़ इस टाइम यहाँ पे ड्यूटी थे, इनका कहना यह है कि 11 बजे से लेके 3 बजे तक, जब तक इसमें जो है ओवरफ्लो ज़्यादा हो गया, उस टाइम एक्जन जो है इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल के वो भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं किया। तहसीलदार साहब आए, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं किया। तहसीलदार साहब ने एक्शन किया, उन्होंने बोला कि मशीन लगाओ। तहसीलदार साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी, जो तहसीलदार करालोपुरा हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि इसका ओवरफ्लो का जो पानी है बाहर निकालिए, लेकिन इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने जो है उसमें उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से जो है मशीनरी को यहीं पर बिठा के रखा, लेकिन यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किया। इनका कहना यह है, ये जो मुकामी लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मशीनरी को काम नहीं करने दिया, हालांकि यहाँ के तहसीलदार साहब ने जो है इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसका ओवरफ्लो जो पानी है इसका कोई वे आउट देख के इसको निकाल दो बाहर। थोड़ा सा जो आप कैमरा इस साइड घुमाए, ये जो है थोड़ा सा उन्होंने किया है, लेकिन ये 3 बजे की आवाज में जब तक पानी ओवरफ्लो हो चुका था, जब तक SR जो है वो लीकेज हो चुका था, SR की लीकेज होने के बाद जो है उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे काटा, लेकिन कार्रवाई नहीं की। मेरी LG एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी इसमें जिसकी भी लापरवाही है, कोताही है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो और इसकी तुरंत जो है मुरम्मत की जाए। इसको ये खतरा है इस इलाके के लिए, काछामा की इस डोबन बस्ती के लिए खतरा है, और उसके साथ साथ इसका जो रोड है, रोड की मरम्मत होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ग्रीन ग्राउंड है जहाँ पर हमारे बच्चे खेलने आते हैं, उनको गाड़ियों को उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये यहाँ पे हिली एरिया है, पैदल नहीं चल सकते हैं बच्चे, तो यहाँ पे ऊपर ग्राउंड है उसमें बच्चे खेलने आते हैं और ये टूरिज्म के नक्शे पे भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है,
कि इसकी रोड की भी मरम्मत होनी चाहिए, जो ये ऐसा रिजर्वायर बना हुआ है इसकी तुरंत ये जो है मरम्मत होनी चाहिए, ताकि आइंदा फिर से अगर कहीं बारिश ना हो या सैलाब आ जाए तो खतरा ना बने, कल कोई जान ज़ाया ना हो या कोई माली या जानी नुकसान यहाँ पे ना हो। इसलिए मेरी सरकार से ये गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है, एलजी साहब से ये गुजारिश है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इसकी मरम्मत होनी चाहिए, भरपूर मरम्मत होनी चाहिए, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उस रोड की भी मरम्मत होनी चाहिए, और जो इन लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ है तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इल्तिमास है कि उनका नुकसान का तखमीना लगा के उनको जो है इसका मुआवजा मिलना चाहिए। मैंने यूँ नहीं कहूँगा कि जितना इनका जो जुर्म करते हैं, जितना इनका नुकसान हुआ है वो इनको उसकी भरपाई होनी चाहिए, उनको उसका मुआवजा मिलना चाहिए। बाकी रहा जो मेरे जो लीडर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप फोटोशूट से बेहतर है कि आप लोगों की आवाज़ बने, सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँ।